इंसान जब स्ट्रेस में जाते हैं तो उनके लिए डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब कुछ है। बट 99% जब एक्वेरियम शॉप्स में फिश स्ट्रेस में जाती है तो उनके लिए क्या? कहा जाता है कि 99% एक्वेरियम फिश स्ट्रेस होने के कारण ही मरते हैं, बिकॉज स्ट्रेस होते ही बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्वेरियम फिश में फिश स्ट्रेस में क्यों आते हैं, उनके रीजंस क्या है, और जब वो स्ट्रेस में होती है तो क्या क्या करते हैं, और उसे डी-स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। Why do fish get stress? हमारी फिश स्ट्रेस में क्यों आती है? अब जब हम फिश खरीदने किसी शॉप में जाते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि वहाँ पे उन्होंने फिश को कैसे रखा है, मतलब ओवर क्राउडेड है कि नहीं, मतलब बहुत सारे फिश एक टैंक में है या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत सारे फिश रहेंगी तो अमोनिया ज़्यादा रहेगा। अमोनिया ज़्यादा है इसका मतलब वो पानी हमेशा बार बार चेंज करते हैं। जब बार बार हम पानी चेंज करते हैं तो फिश स्ट्रेस में चली जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि जहाँ पे भी हम खरीद रहे फिश, वहाँ पे उन्होंने फिश को कैसे रखा है। अब हमने अगर फिश खरीदा तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिश स्ट्रेस में जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक फिश हमने अगर परचेस की तो वो लोग अगर फिश को हमें देने के लिए उसे नेट से पकड़ने जाते हैं। जब पकड़ने जाते हैं तो फिश डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है, और उस इसमें क्या होता है ना, वो स्ट्रेस में चली जाती है डर की वजह से। फिर अगर उसको पकड़ने के बाद वो लोग हमें प्लास्टिक में देते हैं बैग रैप करके, तो वहाँ पे जब उसे बांधते हैं तो उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने की वजह से क्या है ना, फिश यहाँ वहाँ हो जाती है। जब वो फिश हम शॉप से घर लेके जाते हैं तो उस टाइम क्या है ना, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी थोड़ा ऊपर नीचे उछल कूद करती है, उसमें भी फिश हमारी उछल कूद होती रहती है वो प्लास्टिक बैग में। उस प्रोसेस में भी वो स्ट्रेस में चली जाती है। अगेन टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, शॉप में टेम्परेचर अलग, फिर ट्रैवलिंग के टाइम टेम्परेचर अलग। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी फिश स्ट्रेस में चली जाती है। देन ये तो चीज़ हमने देखा कि जब हम फिश को परचेस करने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम ये जानेंगे कि जब हमने फिश को घर लाने के बाद क्या चीज़ें ऐसे होने की वजह से वो स्ट्रेस में चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पानी एक्लोमेटाइज नहीं किया हो, मतलब जो हमारे टैंक का पानी, एग्जिस्टिंग पानी और शॉप का जो टैंक का पानी है वो अलग अलग है, टेम्परेचर अलग, वाटर पैरामीटर्स अलग, उसके वजह से भी क्या है ना, बहुत बार फिश स्ट्रेस में चली जाती है। मतलब एक एनवायरनमेंट से अगर आप उसे दूसरे एनवायरनमेंट में डाल रहे हो, उसका टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से वो स्ट्रेस में चली जाती है। सो हमेशा याद रखें कि बिना एक्लोमेटाइज किए आप फिश को अपने टैंक में इंट्रोड्यूस ना करें, टेम्परेचर मैच कीजिए, ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड ये है कि अगर वाटर पैरामीटर्स मैच ना करें, डिसबैलेंस हो उसमें, मतलब आपका पीएच जीएच वो अगर ऊपर नीचे हो या रॉन्ग हो, उसके वजह से भी फिश हमारी स्ट्रेस में चली जाती है। तीसरा ये है कि अगर बाकी के फिशेस उसे बुली करें, फॉर एग्जाम्पल कंपैटिबल इशू, अगर दो फिश एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है तो वो फाइट करेंगी, फाइट के वजह से डर के मारे वो स्ट्रेस में चली जाती है। क्योंकि अगर कोई दूसरी फिश उसे अटैक कर रही है तो वो डर जाएगी, डर गई इसका मतलब उसका इम्यूनिटी वीक हो गया, वीक होने के वजह से भी वो स्ट्रेस में चली जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाएगी, अगर खाना नहीं खाई अगेन इम्यूनिटी वीक, इम्यूनिटी वीक देन अगेन इट गेट्स टू स्ट्रेस। फोर्थ ये है कि ओवर क्राउडिंग द फिश, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैंक छोटा है और उसमें हम फिशेस बड़े साइज़ की बहुत सारे डाली, मतलब वो उसमें फिट होने के लायक नहीं है, बहुत सारे फिशेस रहेंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, तो भी फिशेस स्ट्रेस में चली जाती, बिकॉज जितने ज़्यादा फिशेस उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन, अगर वेस्ट ज़्यादा मतलब पानी साफ नहीं हो सकता, उसकी वजह से फिश स्ट्रेस में जाती, बिकॉज अगर उसको साफ़ करना है तो हम वाटर चेंजेस करते रहेंगे, वाटर चेंज मतलब बार बार अगर वाटर चेंज हो रहा है तो उसके वजह से वो इनबैलेंस की वजह से फिश स्ट्रेस में चली जाती है। नॉन डीक्लोरिनेटिंग द वाटर, मतलब क्या है ना, अगर जो पानी में क्लोरीन है, हमारे टैंक्स के लिए हमें क्लोरीन नहीं चाहिए, तो हमेशा एक अच्छे क्वालिटी का डीक्लोरिनेटर,
मतलब क्लोरीन रिमूवर यूज़ कीजिए, क्लोरीन कम करें, जिसकी वजह से हमारे फिशेस हेल्दी रह सकते हैं। लास्ट ये है कि लैक ऑफ एक्वेरियम डेकोर, मतलब नेचुरली हमारे फिश को जो एनवायरनमेंट में आते हैं, मतलब रिवर में जो उसका एनवायरनमेंट है, वो सिमिलरली हमें उसे एक एक्वेरियम टैंक में भी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे डिस्कस फिशेस, वो बेयर बॉटम टैंक के लिए रहती हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं रहता। तो सिमिलरली हम जब उसे एक्वेरियम में, एक्वेरियम वाले टैंक में डालते हैं, तो उसे हम प्लांटेड टैंक में नहीं डाल सकते, बिकॉज प्लांटेड टैंक के लिए हमें टेम्परेचर कोल्ड चाहिए और डिस्कस के लिए हीट टेम्परेचर, हीटेड टेम्परेचर चाहिए रहता। सेकेंड, जैसे कि सिक्लिड के लिए हाइडिंग स्पेसेस चाहिए रहता, तो उसको वही एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए। देन एंजल फिशेस को प्लांटेड टैंक्स पसंद है, उसको प्लांटेड एनवायरनमेंट चाहिए रहता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जिसके वजह से हमारे फिश हैप्पीली और हेल्दी रहे, स्ट्रेस में ना आए। तो अब हमने जाना कि अगर हम फिश को ख़रीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, और अगर हम फिश को घर पे लेके आते हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी फिश स्ट्रेस में आती है, और उसे हमें स्ट्रेस से कैसे हम उसे डी-स्ट्रेस करें। अब हम ये जानेंगे कि उनका बिहेवियरल चेंजेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक फ़िश को एक टैंक में डाल रहे हैं, नए फिश को जो लाया है वो उस एनवायरनमेंट के लिए अभी नहीं है, हम उसे न्यू टैंक में उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो स्ट्रेस में रहने की वजह से वो यहाँ मतलब वियर्डली स्विम करने लगेगी, यहाँ दौड़ती रहेगी, और जब यहाँ दौड़ेगी तो वो जाके किसी स्टोन पीस या ड्रिफ्टवुड को जाके लड़ेगी, या फिर अपने बॉडी को स्क्रैच करेगी किसी स्टोन पे या कुछ स्टोन या ड्रिफ्टवुड पे जाके स्क्रैच करती रहेगी। दूसरा ये है कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के सरफेस पे आएगी या फिर हीटर के बाजू में रहेगी, ताकि उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और वो इजीली ब्रीथ कर पाए। लास्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो खाना नहीं खाएगी, वो चुपके से एक कॉर्नर में जाके बैठी रहेगी, मतलब वो स्ट्रेस में है। अगेन, कब आपने नोटिस किया है कि हम जब नए फिश को लाते हैं और हम हमारे टैंक में डालते हैं, तो अचानक से उसका कलर फेड हो जाता है। कलर फेड होना मतलब वो स्ट्रेस में है। तो ये सब हमें बिहेवियरल साइंस और उसको देख के पता चलता है कि हमारे फिश को स्ट्रेस हुआ है। अब हमने सीखा कि हमारे फिश को क्या क्या चीज़ों के वजह से स्ट्रेस हो सकता है, अब इसे हमें ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, हम शॉप में ख़रीदने गए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे उन्होंने फ़िश को कैसे रखा है, वहाँ का पानी क्लीन है कि नहीं, वो लोग बहुत सारे फिशेस एक टैंक में डाल रहे हैं कि नहीं, ओवरफीड कर रहे हैं या नहीं, या कंटिन्यू वाटर चेंज कर रहे हैं कि नहीं, ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा उस फिश को एक्चुअल में वहाँ से डिजीज़ हुआ है। प्रॉपरली सब चेक करने के बाद हमें उसे अपने पास लेना चाहिए, अपने घर में लाना चाहिए। दूसरा, जब हम उसे एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप निका का ट्रांसमोर यूज़ कर सकते हो, ये आपके फ़िश को शांत रखेगा और ट्रांसपोर्टेशन में फ़िश स्ट्रेस में नहीं आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट तक जा रही है। तो जब वो उछल कूद गाड़ी की वजह से होता है, तो वो उसके वजह से आपकी फ़िश डरे ना और वो स्ट्रेस में ना जाए। तीसरा ये है कि अच्छे क्वालिटी का टेस्केट यूज़ करें, ताकि हमें प्रॉपरली पता कर पाए कि हमारे टैंक में जो पानी है उसका पैरामीटर क्या है, उसका पीएच क्या है, उसका जीएच क्या है, वो बैलेंस हो पाए प्रॉपरली। फोर्थ, अच्छा क्वालिटी का फ़िल्टर लगाएं। फॉर एग्जांपल जो टैंक के लिए रिक्वायर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है वही यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, बड़े टैंक के लिए छोटे फिल्टर्स लगाते हैं, तो वो इनएक्यूरेट है। अगर आपका पानी साफ़ नहीं रह पाए, अगर आपका पानी साफ़ ना हो, तो आपके फिशेस को प्रॉब्लम और इश्यू हो सकते हैं, वो स्ट्रेस में चली जा सकती। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। फिफ्थ, अच्छा क्वालिटी का क्लोरीन रिमूवर यूज़ करें। जैसे मैंने कहा, पानी में क्लोरीन रहता है और हमारे एक्वेरियम के लिए हमें क्लोरीन नहीं चाहिए, तो हमें अच्छे क्वालिटी का क्लोरीन रिमूवर यूज़ करना चाहिए। अब उसके लिए ADA का क्लोरॉफ है, APT का प्योर है, देन CKM का प्राइम है, तो ये सब हमें यूज़ करना चाहिए पानी के क्लोरीन को कम करने के लिए। सिक्स्थ, फिश को डी-स्ट्रेस करने के लिए मेडिसिंस, जैसे ADA का विटामिक्स, देन API का स्ट्रेसजाइम या स्ट्रेस कोट आप यूज़ कर सकते हो, या CKM का रेप्लिनिश, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यू फिश लेके आ रहे हैं और उसको हमारे एग्जिस्टिंग टैंक में डाल रहे हैं, तो वीटामिक्स ऐड कीजिए जिसकी वजह से आपका फिश डिस्ट्रेस हो जाएगा, वो स्ट्रेस में ना आएगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में जाते हैं तो उसको अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो हमारी फिश डर के मारे स्ट्रेस में चली जाती है। तो सेवन, अच्छे क्वालिटी का बैक्टीरिया क्रिएटर यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टैंक में बैक्टीरिया है तो आपका टैंक का एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। ज़्यादा बैक्टीरिया इसका मतलब उसका एनवायरमेंट अच्छा, फिश हेल्दी, फिश डिस्ट्रेस, फिश स्ट्रेस में नहीं जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। एंटी लैप्स का फिल्टर स्टार्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इजी फिल्टर पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर ADA का सुपर फोर यूज़ कर सकते हो, या फिर API का वाटर केयर पैक यूज़ कर सकते हो, जिसके वजह से आपके टैंक में बैक्टीरिया का जनरेशन बढ़ेगा और अच्छा क्वालिटी का बैक्टीरिया इंक्रीज होते रहेगा। 8, ओवर क्राउडिंग ना करें फिश को, मतलब जितना आपके टैंक के लिए रिक्वायर्ड है उतने ही फिशेस डालें और कंपैटिबल फिशेस रखें, ताकि वो एक दूसरे से झगड़ा ना करे, और झगड़ा ना करे तो इसके वजह से वो एक दूसरे को हार्म ना करे। अगर वो हार्म करेंगे तो वो स्ट्रेस में चली जाएंगे, डर के मारे वो एक कोने में बैठी रहेंगी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो आज हमने सीखा कि अगर हमारे फिश को स्ट्रेस हुआ है तो इसे हम कैसे जान सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे फिश स्ट्रेस में जाती। यूजुअली ये हमें देखना है, बिकॉज हम वो चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी फिश स्ट्रेस में चली जाती है। जैसे कि अगर हम बार बार फिश के इर्द गिर्द घूमते, मतलब ऐसे टैप करते हैं, ये करते हैं, द मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना, सबके घर में बच्चे रहते हैं, मोस्टली बच्चों का हैबिट है, वो मस्ती करने के लिए उन्हें ऐसे टैप करेंगे, टैप करेंगे तो फिशेस डर जाती है, डर के मारे वो स्ट्रेस में चली जाती और कूद जाती है। तो ये सारे रीजंस भी हैं हमारे वजह से हमारे फिश को स्ट्रेस हो जाता है। सो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे तो हम हमारे फिश को स्ट्रेस होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया, आपने मेरे साथ कुछ नया सीखा हो, और आज हमने सीखा कि हम हमारे फिश को स्ट्रेस में ना आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे और नया नया सीखते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूट लाइक मी।